वो मेरे पीछे पीछे आ रहे। आगे जाके ऐसा लगता है कि रास्ता ब्लॉक है, ख़त्म है यहाँ तक, लेकिन अभी आगे और है। और भाई मैं तो यहाँ पे अकेला आया हूँ, लेकिन आप अगर आओ किसी के साथ में तो एंजॉय ज़रूर करना। यहाँ पे ऐसी खाने वाली चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, तो अपना कुछ साथ में लेके आना। मैं वहाँ से आया था, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ दिख रही ना आपको, वहाँ से आया, और जो वहाँ पर एंड दिख रहा है ना, तो वहाँ पर आके ख़त्म है। तो वहाँ पर चलते हैं, फिर मिलवाते हैं आपको। यहाँ से आपका पौंड चालू हो जाएगा जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ से ऑलरेडी मतलब कुदरत की देन नहीं है। यहाँ पे कुछ पानी वगैरह भरा था और इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं ऊपर की साइड, अपने सब्सक्राइबर ही मिल गए थे भाई, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो भाई यहाँ पर आके थोड़ी सी जान आती है, मैं ऊपर की साइड से आया था, इधर की ओर रास्ता है ये, और यहाँ पर आके जैसे ओवर ब्रिज बना रखा है, जैसे समुद्र किनारे पे द्वीप वगैरह होते हैं उस टाइप से, और ये पानी भरा हुआ है भाई। आप भी आइए और मजे लीजिए, बाकी वीडियो को देखते रहिए। तो भाई यहाँ से स्टार्ट होती है असली कुदरती देन, जो मिट्टी वगैरह इधर की साइड घूमने की पर्पज़ से सीढ़ियाँ वगैरह बना रखी थी, तो यहाँ से नॉर्मल वे है। फिर यहाँ से भी रास्ता चेंज है और इधर भी रास्ता चेंज है, तो इधर चल के देखते हैं या फिर इधर देखते हैं पहले क्या होता है, उसके बाद में इधर जाएंगे। आज देखते हैं, आज जंगल में या तो कोई और मिलेगा या फिर हम ही मिलेंगे। और इस जगह पर भाई चारों तरफ देख लो, चारों तरफ देख लो, आपको वीडियो में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन भाई रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप अकेले हो ना इस जगह पे, और जिनकी फटती है उनकी और फट जाएगी भाई इस जगह पे आके, क्योंकि अकेले आ मत जाना इस जगह पे, चाहे कितना भी बड़ा पार्क हो या ना हो। और मैं तो भाई इन चीज़ों से डरता नहीं, बस एक ही चीज़ से डरता हूँ, वो है इंसान, और दूसरा है कोई ख़तरनाक जानवर। इस जगह पर बॉर्डर समाप्त है आगे से, और अभी मेरे पीछे जस्ट आपने देखा होगा कुछ लोग आ रहे थे, तो वो क्या थोड़े डर के मारे रुक गए थे, अब मुझे देख के थोड़ी सी हिम्मत आई है उनके अंदर, तो वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, देख लो। अभी ऊपर जाना है ऊपर, अब यहाँ से पैदल चलने के बाद में यहाँ पे एक चीज़ मिली देखने के लिए भाई, यहाँ पे ना एक तरह से रील्स वगैरह बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगेंगी, इधर से पूरा सुनसान है देख लो। और भाई एक चीज़ और आपको बताओ, अगर यहाँ पे आओ ना और टिकट के साथ में आपसे बोले कि आपको गाइड चाहिए क्या, तो भाई गाइड मत लेना, क्योंकि गाइड का पैसा है ना वेस्टेज जाएगा, और आप जो गाइड है ना आपको वही चीज़ दिखाएगा लिमिट तक। भाई यहाँ पे कुछ लोगों ने पहले आग भी लगा दी है, यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें जल चुकी हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना। कि ये था आपके यहाँ पे घूमने लायक जो अभी नया बनाए पार्क, जिसको हाँ अब बताता हूँ आपको इस पार्क के बारे में, ये कहाँ पे पड़ता है, तो भाई ये जयपुर के विद्याधर नगर से आगे जो शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर के जस्ट पास में ही है। अगर आप गूगल मैप पे इसको सर्च करोगे ना स्वर्ण जयंती पार्क इन जयपुर, ऑटोमेटिक यहीं की लोकेशन आ जाएगी। तो कुछ ये था भाई